देखिए यहाँ कितनी मस्जिदें और गुरुद्वारे बन गए हैं, ये भविष्य में हमारे लिए नासूर बन जाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इस नासूर को उखाड़ कर फेंक दें और बाबा बालकनाथ जी को भारी बहुमत से जिताएं। ये राजस्थान के अलवर में भाजपा प्रत्याशी बालकनाथ की चुनावी रैली में कहे जाने वाले शब्द, और ये शब्द कहे हैं भाजपा के नेता संदीप दायमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अभिजीत शर्मा। दायमा की टिप्पणी से सिख समुदाय में गुस्सा फैल गया है और जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए और दायमा के पुतले जलाए गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी दलों ने भाजपा नेता की टिप्पणी पर कई प्रतिक्रिया व्यक्त की और फिर दायमा ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी और कहा कि उन्होंने मस्जिद और मदरसे पर गुरुद्वारे के खिलाफ गलती से गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। ये तो वही बात हो गई कि खून करना चाहता था दो और कर दिए गलती से तीन। अब नेताजी को कोई ये बात बताए कि खून तो खून होता है, चाहे एक हो या तीन। भाजपा राजस्थान की अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत ने पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बयान देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर संदीप दायमा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब अगर बात करें सिख समुदाय की, तो श्रीगंगानगर में सिख जाति बंदियों ने जिला कलेक्टर और चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। श्री धर्म प्रचार कमेटी राजस्थान के अध्यक्ष सुखजिंदर पाल सिंह टिम्मा की अगुवाई में जिला कलेक्टर और चुनाव आयोग से मिले। टिम्मा ने चुनाव आयोग को बताया कि कैसे भाजपा के इस नेता ने तिजारा क्षेत्र की चुनावी सभा में गुरुद्वारे और मस्जिदों को लेकर एक नासूर कहते हुए इन्हें उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। उसे सिख समाज कभी माफ नहीं करेगा और सिख समाज में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि एक आदमी सरेआम इतनी बड़ी बात बोल रहा है और सीएम तालियां बजा रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी चुनाव आयोग के लिए? क्या वो भी मोदी का तोता बना हुआ है? जो तालिबानियों और मुगलों की सोच है, वैसे ही सोच और विचारधारा बीजेपी तैयार कर रही है। और उन्होंने कहा कि सच बात तो ये है कि भाजपा देश के लिए नासूर बन चुका है, क्योंकि राज सत्ता के लिए ये देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रही है और देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया है, जिसे सिख समुदाय कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं। हम तो कुछ नहीं है, अभी इंडिया में कोई चुनाव योग नाम कोई चीज है या नहीं है, क्या कुछ नहीं है? आप है क्या चुनाव आयोग तो महसूस क्यों नहीं हो रहा? एक आदमी स्टेज पे बोल रहा है भी मंदिर मस्जिद है गुरुद्वारे मशहूर मस्जिद तोड़ देने चाहिए, तो चुनाव योग क्या कर रहा है? मोदी का तोता बना पिंजरे का बना हुआ है, सरेआम वो लाइव बोल रही हैं और सीएम बढ़कर तालियां लगा रहे हैं, इससे शर्मनाक बात क्या होगी चुनाव आयोग के लिए? मुझे आप बता दीजिए, ये भाषाएं यूज करने वाली फिर गुरुद्वारे नसूर बन चुके हैं, ये नसूर नहीं देश के लिए, आज नसूर बीजेपी बन चुके देश के लिए। संदीप दायमा जैसे लोग जो फिरका पस्त लोग हैं वो नसूर बन चुके देश के लिए, जो स्टेज पे बोल रहे शर्म आती है। योगी आदित्य बालना तो ताड़ियां मार रहे हैं, जैसे खुसरे ताड़ियां लगाते हैं आकर। हम आपसे कहने आए हैं, आप उनकी टीम के मेंबर हो, कम से कम लोगों का एहसास कराओ कि सभी मोदी के तोते नहीं हैं, यहाँ जिंदा जमीर लोग बैठे हैं, नौकरी आती चली जाती हैं, पर जो ऊपर नौकरी करोगे ना जाएगा वो सारा दुनिया हिसाब वो मांगेगा आकर। फिर किस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हो आकर? मंदिर हैं सभी मत्था टेक इस्तकार करते हैं, हमारे एक देश में संस्कृति है सभी के मिलजुल रहने की आकर, और बीजेपी उस समय नफरत फैला रही है, सिर्फ वोटों के लिए देश को बांट रही है। और हैरानी इस बात की है भी चुनाव आयोग ने सरकार ने प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया, ये सबसे शर्मनाक बात है। जो सोच तालिबान की है, जो सोच मुगलों की सोच थी, वही सोच बीजेपी अपना रही है। आप एक और नोट करना बात, आप जब प्रदीप दायमा ने माफी मांगी, संदीप दायमा ने, उसने माफी में क्या कहा? मैंने कहा था जी मस्जिद और मदरसे तोड़ दो, गुरुद्वारा गलत निकल गया, वो चुनाव योग फिर चुप करके बैठा है। जो भी प्रवेशक है हम आपसे कहने आए हैं उनके लिए कार्रवाई की जाए, और गंगा हनुमानगढ़ हमारे जिले हैं, अगर यहां पर ऐसी कोई बात होगी वो चुनाव योग चुप करके बैठा रहा, फिर इसी चुनाव योग को यही आकर बात करेंगे। आप अधिकार को बोल देना, यहाँ पर हमें तोते नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर ड्यूटी करने वाले जो देश के लिए मरे और अपने सिद्धांत के लिए मरे। यहाँ का बड़ा स्पष्ट बोलना जी, कि सिख समाज गए थे वो क्या के गए भी, हमें तोते नहीं चाहिए मोदी के, हमें वो जो ईमानदार हो, अगर सिख को मिलता है
तो थोक के बोलो गलत आका, कोई भी गलत हो थोक के बोलो। यार जिन ज्ञापन की कॉपी दे आए हैं और पंजाबी है और साथ में हमारा मैसेज क्लियर क्लियर कर दिया, हम देश में एकता अखंडता चाहते हैं, हम आपसी भाईचारा चाहते हैं, वोटों की आड़ में हमारा भाईचारा खत्म हो, नफरत पैदा हो, हम वो बात कभी नहीं चाहते। और इसके लिए जो सरकार ने दई ड्यूटी, सरकार भी वैसी है और वैसे गांव प्रवेशी वैसी आ गए हैं जिन्होंने आज तक कार भी कोई नहीं किया, आज भी कितना बॉल खड़ा हो रहा है, कोई किया चुनाव योग ने जी, कमाल की बात है। अभी मुंह में वो घुघनी डाल के बैठ गए, बोल नहीं दे रहे हैं, ठीक है नहीं। आप हमारा बात थोड़ा रखना आसान, ये कह रहा मैं बोल रहा हूँ जी, मदरसे तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो, मैं गुरुद्वारा नहीं बोल रहा, उसके लिए बोला गुरुद्वारों की नींद, ये माफी मांग रही है, माफी उसकी, ये बीजेपी का सच्चेर है।